नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों को नहीं मिल रहे फसलों के दाम, 2.5 से 3 रुपए प्रति किलो सब्जियां बेचने पर मजबूर हुए किसान। किसानों पर टूटी एक और बड़ी मुसीबत, 1200 रुपए डीएपी खाद की कीमत हुई 1900 रुपए। भारत के पश्चिमी हिस्सों पर टूटेगा साइक्लोन का कहर, 15 से 16 मई को भारत के पश्चिमी तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान। बिहार के कैमूर के किसानों पर लॉकडाउन का असर, 2 रुपए प्रति किलो मिल रही है खरबूजे की कीमत। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में फैली स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा आज किसी से छिपी नहीं है। जहां देश में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और उचित उपचार न मिलने से लोगों की जान जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी किसानों पर सबसे बुरा असर डाल रही है, जिसकी वजह है कि किसानों की तैयार फसल, सब्जियां और फल मंडियां ना खुलने से बाहर तक नहीं जा रही, और जहां खुले भी हैं वहां उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। स्थानीय मंडियों में किसानों के उगाए टमाटर जहां थोक में 2.5 रुपए किलो, खीरे 4 रुपए किलो, तुरई 10 रुपए, भिंडी 15 और करेला 4 रुपए प्रति किलो खरीदा जा रहा है, जबकि मंडियों से निकलते ही टमाटर की कीमत 10 रुपए किलो, खीरा 15 रुपए, तुरई 20 रुपए और करेला 10 रुपए प्रति किलो के साथ ही भिंडी 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। ऐसे में जहां फसल उगाने वाले किसानों को उनकी लागत तक नहीं मिल पा रही, वहीं दूसरी ओर आम जनता पर इसका भार पड़ रहा है, जबकि बिचौलिया इसका सीधा फायदा उठा रही है। एक और कोरोना महामारी ने जहां सब कुछ बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसानों के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसकी वजह है संकट में फंसे अन्नदाताओं को अब 1200 रुपए में मिलने वाली डीएपी खाद के लिए 1900 रुपए चुकाने होंगे। एक और जहां पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के रेटों में तेजी देखी गई है, तो वहीं इस तरह से खाद के रेटों में बढ़ोतरी किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। जिसकी एक वजह ये भी है कि अधिकतर जगह पर किसानों की तैयार फसल कोई उचित दाम पर खरीदने को तैयार नहीं है। वहीं रासायनिक खाद की कीमत में इस तरह से हुई बढ़ोतरी ने किसानों को और आक्रोशित कर दिया है, जिसके चलते किसानों का कहना है कि बढ़े हुए दाम जल्द से जल्द वापस होने चाहिए। आपको बता दें कि डीएपी के 50 किलो के बैग पर 58% की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों की मुसीबतें अब बढ़ गई हैं। देश में कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से जहां आंधी, तूफान और बारिश का सितम जारी है, वहीं बीते रोज भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए कहा है कि अरब सागर में 14 मई को एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं हैं, जो कि पाकिस्तान की कराची समेत भारत के गुजरात, राजस्थान के अलावा कई हिस्सों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि ये चक्रवात भारत के पश्चिमी तट को 15 मई या फिर 16 मई को टकरा सकता है, जिसके चलते केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और गोवा में इसका प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप में भारी बारिश की भी आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। इसके अलावा हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावनाएं हैं। बिहार में जारी लॉकडाउन का विपरीत असर इस समय कैमूर के किसानों पर देखने को मिल रहा है, जहां खरबूजे की खेती करने वाले किसान आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले हमारे खरबूज अलग अलग राज्यों में चले जाते थे, जिससे हमें हमारा गुजारा चलाने तक की आसानी से कमाई हो जाती थी। हालांकि इस समय राज्य में लागू लॉकडाउन से कोई खरबूजे खरीदने वाला नहीं है,
जो खरीदने भी आ रहे हैं वो महज 2 रुपए किलो में खरबूजे लेने को तैयार हो रहे हैं। यही वजह है कि हमारे खेत में खरबूजे आज सड़ रहे हैं। वहाँ के किसान बूटन निषाद की माने तो लॉकडाउन के चलते व्यवसायी नहीं आ रहे हैं, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसानों की सरकार से अपील है कि सरकार किसानों की मदद करे। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रीन टीवी, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।